स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आप सभी को आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। आज मैं बना रही हूँ एक खास रेसिपी जो आपको बेहद पसंद आने वाली है। इसमें आलू है, इंस्टेंट दही बड़े हैं, छोले हैं, अनार, अंगूर, स्ट्रीट फूड का मज़ा लेंगे घर बैठ के। जी हाँ, वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आपकी पसंदीदा लच्छा कटोरी, अब आप इसे किसी भी तरीके से बना सकते हैं, इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए खास यही सीजन है, इस समय के जो आलू आते हैं पहाड़ी आलू, उसी से ही आप बनाएंगे तो कभी आपकी लच्छा कटोरी ख़राब नहीं होगी। वैसे इसे किसी भी टाइम बना सकते हैं, एक बार आदत में आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम आलू को छील लेते हैं। मैंने 4 आलू लिए हैं और उसे मोटे ग्रेटर से ग्रेट कर दिया है। अब खास बात है, इसमें काफ़ी सारा स्टार्च होता है, उस स्टार्च को निकालना बहुत ही ज़रूरी है। 4-6 बार पानी से धोकर इसे हमें पानी में रखना है। अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। अगर हल्दी से पूरा कलर ना आए तो थोड़ा कलर भी डाल सकते हैं। लीजिए, अब इस रेसिपी के लिए एक खास मसाला बनाते हैं। मैं ले रही हूँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। इन सबको हम मिक्स कर देते हैं तो बार बार का झंझट ही ख़त्म। एक बार मसाला बना लेंगे, सारी रेसिपी इसी से ही बन जाएगी। आपने इस रेसिपी को कभी घर में बनाया है? अगर बनाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे पहले ले रही हूँ मैं 2 बॉयल आलू, जिसे मैंने चौकोर काट लिया है। अब इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल भी सेक सकते हैं। अब इस आलू में मैं वही मसाला कुटा हुआ वही डाल देती हूँ। अब यहाँ पर आती है बारी, इस रेसिपी में होता है दही बल्ला। ये रेसिपी है खास यूपी की, तो इस कटोरी में डाला जाता है दही बल्ला। अब दही बल्ले का आपके पास टाइम हो तो आप बनाइए, इंस्टेंट भी बना सकते हैं, मैंने कई रेसिपी दी हैं। मेरे पास भी ऐसा ही होता है कि जब टाइम नहीं होता तो मैं ब्रेड से इंस्टेंट दही बड़ा बना लेती हूँ। वो देखिए कैसे बना रही हूँ। मैंने यहाँ लिए 2 पीस ब्रेड के, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं जितना मन करे। इन के दोनों के बीच में मैं डाल देती हूँ फेटा हुआ दही, जिससे क्या होगा, दही जो है ये ब्रेड का स्वाद बिल्कुल ख़त्म कर देगी, इसके अंदर एक दही का अच्छे से स्वाद आ जाएगा। अब एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए या ढक्कन ले लीजिए, उसे ऐसे गोल गोल काट लीजिए। 2-2 पीस एक मोटा मोटा दही बड़ा अच्छा लगेगा। अभी लच्छा कटोरी बनने में टाइम है तो अभी मैं ऐसे ही रख देती हूँ, बाद में इसके ऊपर दही डालूँगी। इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कोई कह ही नहीं सकता ये दही बल्ले नहीं है। जो बची हुई ब्रेड है उसको हम किसी दूसरे यूज़ में कर लेंगे। इस रेसिपी के साथ हमें चाहिए होता है बारीक सेव, जो भी सेव दूसरा भी हो वो भी ले सकते हैं चलेगा। और ये है अनार, ताज़ा अनार, ऊपर से गार्निश के लिए। ये पपड़ी है, पपड़ी भी कैसे बनती है मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगी। बहुत ही क्रिस्पी मार्केट में मिलती है, हम घर में भी बना सकेंगे। और कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे इस वक्त अंगूर आ रहे हैं तो मैंने अंगूर ले लिया, केला भी ले सकते हैं। आलू तो हम बना ही चुके हैं, दही फेंट लिया है, मीठी चटनी है, खट्टी चटनी है और हरी चटनी है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, लच्छा कटोरी हम बना ही लेंगे। लेकिन एक बात और मैं आपको ये बताऊंगी, इसकी फिलिंग के लिए हमें कुछ और भी चाहिए होता है। जैसे हमारे घर में छोले हैं उबले हुए, या स्प्राउट्स हैं, काले चने हैं, राजमा है, या फिर आप ले सकते हैं मटर, कॉर्न, कुछ भी हो उसको आप इस तरीके से बना लीजिए जैसे मैं अभी छोले बना रही हूँ। मेरे पास 1 कटोरी है छोले उबले हुए। मैंने लिया 1 पैन जिसमें 1 चम्मच सिर्फ ऑयल डाला है। इसमें वही कुटा हुआ मसाला डाल रही हूँ जितना आपको स्पाइसी पसंद हो। मैंने करीब इसमें 2-2.5 चम्मच डाल दिया है। ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी आपको और बहुत ही आसान भी है। ये सारी तैयारी आप करके रख लीजिए, मेहमानों के साथ खुद भी इंजॉय कीजिए। अब हम छोले को यहाँ पर क्रश कर लेते हैं। क्रश इसलिए किया जाता है कि उस चलनी में काफ़ी अच्छी मात्रा में इन छोलों को रख सकें। अगर क्रश नहीं करेंगे तो वो थोड़े से ही आ पाएंगे। स्प्राउट भी आप डाल सकते हैं, मटर, कॉर्न, जो भी हो इस तरीके से बना लीजिए। इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। और हाँ,
आपने लच्छा कटोरी किस जगह की खाई है, आपको कहाँ की बेहद पसंद है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बस लीजिए, बन गए छोले नॉर्मल फटाफट से। इसे हम एक कटोरे में निकाल लेते हैं। ये ना तो ज़्यादा लूज हैं ना ही ज़्यादा सूखे हैं। अब लीजिए, आलूओं को थोड़ा रेस्ट मिल गई 10-15 मिनट। इन्हें मिलनी भी चाहिए क्योंकि ये अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं पानी में। अब एक छन्नी में कपड़ा लगा लीजिए। इस आलू को आप हाथों से पूरा पानी इसका निकाल लीजिए। जितना अच्छे से आप पानी निकालेंगे उतनी ये कड़क बनेंगे। लीजिए, आलू का लच्छा कितना बढ़िया लग रहा है ना, सूखा सूखा। इसे हम अलग रखते हैं। अब यहाँ पर मैं नींबू काट के अलग रख देती हूँ। नींबू अभी नहीं चाहिए लेकिन चाट में चाहिए। यहाँ पर मैं एक कढ़ाई रख रही हूँ। अब इस आलू में जो सूखा आलू कर दिया, 2-3 चम्मच आरारोट या कॉर्न फ्लोर डाल दीजिए। इससे होगा ये ड्राई बनेंगी। नहीं भी डालेंगे तभी भी बन जाएगी, लेकिन काफ़ी दिनों तक इस कटोरी को आप रख सकते हो। बिल्कुल भी नहीं सॉफ्ट होगी, चाहे जितने दिन भी आप रख लीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कई बार ट्राई की है। अब बताती हूँ छन्नी। यहाँ देखिए, छन्नी दो टाइप की हैं। ये बड़ी छन्नी है जिसमें हम मलाई निकालते हैं, दोनों एक ही साइज़ के हैं। ये दूसरी छन्नी है जो लच्छा कटोरी के लिए आजकल मिल रही है मार्केट में। मैं अभी आपको अलग अलग छन्नियों से भी बना के दिखाऊंगी। कई बार हमारे पास एक ही छन्नी होती है तो दूसरी छन्नी हम चाय की भी लगा के हम अपना काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये सारा दिखाऊंगी कि लच्छा कटोरी नीचे चिपक जाए तो हम कैसे निकालें, ऊपर चिपक जाए ऊपर वाली छन्नी में तो हम कैसे निकालें। सारे ट्रिक्स आपको दूंगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। और यहाँ एक दूसरी ट्रिक है। जब भी आप छन्नी में आलू डालना शुरू करें तब उसे एक बार ऑयल में पहले डिप जरूर करें। अब फैला दीजिए आलू। अब आलू आपके ऊपर है, आपको पूरी बड़ी कटोरी बनानी है, बहुत बड़ी, तो आप पूरा ऊपर तक फैला दीजिए। अगर छन्नी बड़ी है, आपको बनानी छोटी है, तो इस तरीके से आधा रख दीजिए। एक के ऊपर एक छन्नी रखने के बाद चम्मच से दबाते जाइए। अब चम्मच से सब तरफ से ऑयल लगाते जाइए। इससे होगा ये हर तरफ ये पकेगी। अब यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक दूंगी। कढ़ाई हमेशा ओवल शेप की लीजिए, छोटी कढ़ाई में भी आपका काम हो जाएगा। अगर फैली कढ़ाई लेंगे तो लच्छा कटोरी बनाने में दिक्कत होगी, बहुत सारा ऑयल लेना पड़ेगा। तो छोटी कढ़ाई कोई ओवल शेप की हो, किसी की भी, लोहे की, एल्यूमिनियम की, उसी में बनाइए तो आपका जल्दी काम हो जाएगा। अब ये धीरे से आप ट्विस्ट कीजिए और ये छन्नी निकल जाए आसानी से, तभी निकालिए, वरना जल्दी बिल्कुल मत कीजिए। जैसे ही ये पक जाता है अपने आप छन्नी निकल जाती है। अब वो जो छन्नी हमारे पास बची हुई है ना, उसमें हम आलू लगा लेते हैं। अब इसे हम धीरे से इसमें निकाल देंगे, बहुत ही आराम से निकल जाती है। कभी अगर कम पकी हो तो वापस कढ़ाई में डाल दीजिए, अगर पूरी पक चुकी है तो उसे डायरेक्ट ही निकाल लीजिए। ये लीजिए, बहुत ही मोटी सी है, बढ़िया। इसे खाने में बहुत मज़ा आता है। अगर पतली सी होती है तो बार बार टूट जाती है। फिर से वही छन्नी लगा ली और ये देखिए, इस तरीके से निकालते जाइए। अभी हमें बहुत बड़ी चाहिए होती तो हम क्या करते, इसे ऊपर तक पूरा आलू लगाते। अब डिपेंड करता है, जिस शेप की आपके पास छन्नी होगी उसी हिसाब से आपकी कटोरियाँ निकलती जाएंगी। अब चलते हैं एक और छन्नी देखते हैं। यहाँ देखिए, ये मेरे पास सिंगल छन्नी है। इसे भी मैंने ऑयल में थोड़ा सा ग्रीस कर दिया, मतलब डिप कर दिया कढ़ाई में। अब जितनी उसमें जगह है आप इस तरीके से फैला दीजिए। अब सेम मेरे पास वैसी छन्नी तो नहीं है, मैंने चाय छानने वाली छन्नी ले ली है, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। और गैस की फ्लेम मैंने बताना भूल गई हूँ, जब भी आप ये बनाएं तो अच्छा गर्म ऑयल हो, लेकिन धुआंधार भी नहीं हो। इससे आपका होगा ये नॉर्मल एक छन्नी से भी आपका काम हो जाएगा। कोई कटोरी भी ले सकते हैं इसके बदले। अब देखिए हुआ क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, तो इसे डरिए नहीं। अब जो कटोरी हमारी लच्छा कटोरी नीचे नहीं चिपकी, ऊपर वाली छन्नी में चिपक गई है, तो कोई बात नहीं, नीचे वाली हटा दीजिए। ऊपर वाली को आप क्या करें, 2 मिनट बाद ऐसे पेपर नैपकिन लीजिए और हाथ से ऐसे ट्विस्ट करके निकाल लीजिए, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, जल्दबाजी ना करें। और ये जो सेव कभी कभी थोड़ा सा टूट जाता है, ये ऊपर से खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो छन्नी है आजकल लोकल मार्केट में बहुत मिल रही है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें पकड़ के रखना नहीं पड़ता, इसमें एक रिंग दिया हुआ है,
दोनों छन्नियाँ आपस में जुड़ी हैं और ये रिंग को बस ऊपर कर दीजिए। अब आप छन्नी में डाल दीजिए, आप अपना काम कीजिए, वो अपने आप चिपकी रहेंगी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पक रही है। जैसे ही आपको लगे जहाँ भी वो चिपकी हुई हो उसे आप इस तरीके से पेपर नैपकिन से निकाल दीजिए, अगर ऊपर वाली छन्नी में चिपकी हुई है। ये देखिए इसी तरीके से सारी हम कटोरियाँ, लच्छा कटोरियाँ बनाते जाएंगे। चार आलू से कम आपकी 12 कटोरियाँ बन जाएंगी। बहुत ही सरल, बहुत ही सस्ती, मतलब जितने भाव में आप एक जना खाता है बाहर स्ट्रीट फूड में, वो आपको पूरे घर को खिला देगा, मतलब पेट भर के इंजॉय कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही बढ़िया सी बात, इंजॉय कीजिए बिल्कुल हाइजीनिक स्टाइल से, जो आपके घर में है उसे डालकर आप मज़े कीजिए। लीजिए ये लच्छा कटोरियाँ बनकर तैयार हुई हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। मैंने इन सबको गोल्डन कलर का फ्राई कर लिया है। अब हमारे पास जो ब्रेड थी जिसमें दही डाल के रख दिया था, ऊपर से अच्छे से दही डाल देते हैं जिससे बिल्कुल दही बड़े की तरह लगे। अब इसको सर्व करते हैं। एक प्लेट में पहले दही डाल दीजिए थोड़ी सी, उसके ऊपर ये कटोरी रख दीजिए। अब छोले, अब आलू, ये दही बल्ला, हमारा इंस्टेंट दही बल्ला, कुछ अंगूर के दाने, मीठी चटनी, यहाँ लेंगे हरी चटनी, फिर से भर भर के डाल दीजिए दही, थोड़ा सा धनिया पत्ती, अदरक की लंबी लंबी स्लाइस, अब डाल दीजिए कटी हुई हरी मिर्चें, अब बारीक सेव या दाल मोट जो भी आपके पास है, अनार के दाने, अब साथ में रख दीजिए ये सूखी मठरी। मठरी से होता ये है, इसके साथ आप खा भी सकते हो चम्मच की तरह, चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। लीजिए ये लच्छा कटोरी बनकर तैयार हुई है। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न कीजिए।